गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। तो कई बार हमारा मन करता है कि हम स्ट्रीट में जाके वो नूडल्स खाएं, वो मजा ले, लेकिन वहाँ की अनहाइजीनिक प्लेस होने के कारण हम नहीं जा पाते, तो क्यों ना उसे घर पे बनाया जाए। तो चलो बनाना सीखते हैं स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। इसे बनाने के लिए हम पहले पैन में वाटर ऐड करेंगे। वाटर हमें हमारी नूडल्स की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है। साथ में जाएगा ऑयल, सॉल्ट, और इसे हमने बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है। ऑयल हमने इसलिए ऐड किया ताकि नूडल्स हमारे नॉन स्टिकी रहें और सॉल्ट का इसमें थोड़ा सा फ्लेवर चला जाए। तो इसमें अब हमारे जाएंगे पारबॉइल नूडल्स। ये आपको किसी भी मार्केट प्लेस या शॉप से मिल जाएंगे इजीली। ये आधे पके हुए होते हैं और आधे कच्चे होते हैं। तो इसे हमने अच्छे से बॉइल करना है पानी के साथ ताकि ये 70-80% कुक हो जाए। ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको तड़का लगाएंगे नूडल्स बनाएंगे तब भी थोड़े कुक होंगे, तो इसका जो होता है वो सॉगी होने का चांस रहता है। तो इसलिए हम निकाल के इसे स्प्रेड कर देंगे किसी प्लेट या ट्रे में ताकि इसका मॉइस्चर जो हो वो निकल जाए। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होते ही चॉप्ड जिंजर गार्लिक जाएगा, इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना। देन जाएंगे अनियंस। अनियंस को श्रेडेड कट करके डालना है और इसे भी हमने ट्रांसपेरेंट होने तक ही कुक करना है। ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर इसका जो टेस्ट आएगा वो कड़वा कड़वा सा आएगा। और अब जाएगी इसमें कैबेज। कैबेज को हमें ओवर कुक नहीं करना, इसे कम से कम सौते करेंगे 1-2 मिनट ताकि जो वेजिटेबल्स का क्रंच है वो मेंटेन रहे। देन कैप्सिकम और मशरूम्स ऐड करके इसे भी उसके साथ सौते कर लेंगे। टोटल 4-5 मिनट सौते करेंगे हम सारी वेजिटेबल्स को। देन इसमें जाएगी सोया सॉस, विनेगर और साथ में हॉट गार्लिक सॉस ऐड करके इसमें हम डाल देंगे केचप। केचप थोड़ी स्वीटनेस दे देती है और जो इसमें सॉसेस डली होती है उसको बैलेंस कर देती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉसेस के साथ और इसे 1-2 मिनट कुक कर लेंगे। और देन इसमें हमारे जो नूडल्स हमने बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से टॉस करते हुए हिलाएंगे। देन जाएगा सॉल्ट, अजीनोमोटो और वाइट पेपर पाउडर। ये चाइनीज़ जो फूड होता है उसमें जाना ज़रूरी होता है, तो इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टॉस करके इसे हिलाते जाएंगे ताकि मसाले अच्छे से नूडल्स में मिक्स हो जाएं। इसे हम अब प्रेजेंट कर देंगे किसी बाउल में या कढ़ाई में और ऊपर से चला जाएगा कोरिएंडर लीफ। और ये हमारी तैयार है स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। बिल्कुल जैसे स्ट्रीट्स में मिलती है ना, वैसा ही टेस्ट होने वाला है। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हाइजीन वे से बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इसकी रेसिपी मैंने कमेंट बॉक्स में ऐड कर दी है, आप वहाँ से इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी देख सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और गेस्ट को सर्व करें। टिल देन बाय बाय।